जहां सबसे बड़े सरकारी अस्पताल मेकाहारा में भी पश्चिम बंगाल की घटना के विरोध में डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीजों को काफी परेशानी भी हो रही है। हड़ताल की वजह से कोई भी डॉक्टर ओपीडी में नहीं जा रहा है, केवल इमरजेंसी सेवा में ही इलाज की बात डॉक्टर कह रहे हैं। अस्पताल पर डॉक्टरों का कहना है कि डॉक्टर कहीं भी महफूज नहीं है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से डॉक्टर के साथ मारपीट हुई वो घटना काफी निंदनीय है। हमारे साथ भी आए दिन ऐसी घटना होती रहती है। सरकार हमारी सेफ्टी के लिए कदम उठाए। सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे ओपीडी में कामकाज नहीं होगा। वहीं यहां इलाज कराने आए मरीजों और उनके परिजनों को हड़ताल के बारे में पहले से जानकारी नहीं थी, जिसकी वजह से मरीज इलाज के लिए इधर उधर भटकते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रायपुर से हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हेमंत, पश्चिम बंगाल में जो हुआ उसके बाद से देश भर में हड़ताल जोड़ों की चल रही है, रायपुर में जूड़ा की हड़ताल का क्या हालात है? देखिए, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में डॉक्टर के साथ मारपीट हुई है उसका विरोध राजधानी रायपुर में भी देखने को मिल रहा है। सिर्फ ना रायपुर में बल्कि प्रदेश के ऐसे अन्य इलाके हैं जहां पर डॉक्टर आज विरोध करके प्रदर्शन कर रहे हैं। रायपुर में जो जूनियर डॉक्टर और रेसिडेंट्स, इसके अलावा जो नर्स है, तीनों हड़ताल में शामिल हैं और दोपहर 2 बजे तक जो ओपीडी है वो बंद रहेगी। सुबह से ही ऐसी हालात है, मरीज वहां पर भटकने को मजबूर है क्योंकि प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है और दूर दूर से लोग वहां पर इलाज के लिए आते हैं, तो उनको खासी दिक्कत वहां पर हो रही है क्योंकि ओपीडी जो अगर किसी भी प्रकार की अगर बीमारी की बात की जाए तो पहले ओपीडी से ही इलाज शुरू होता है, ओपीडी से पर्ची कटती है, तो ओपीडी ही अगर बंद हो तो कैसे इलाज संभव हो पाएगा। हालांकि इमरजेंसी का सुविधा समय के लिए सुविधा वहां पर की गई है, लेकिन डॉक्टरों का कहना था कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से वहां पर मारपीट की गई है वैसे हालात रायपुर में भी बनते हैं, तो सरकार को सेफ्टी उन लोगों की करनी चाहिए, ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए जिससे इस तरह के हालात न बने। तो इस तरफ उन्होंने ममता बनर्जी की भी उस बयान की निंदा की जो उन्होंने कल दिया था। तो तमाम चीजों को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है और 1 बजे माफ करिएगा 4 बजे जो मेडिकल एसोसिएशन हमारे साथ बने रहिए। संजय डोंगर देवी हमारे साथ भोपाल से सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में जो हुआ, देश भर में यहाँ पर जूड़ा की हड़ताल देखने को मिल रही है, भोपाल के क्या हालात हैं अभी? बिल्कुल, जिस प्रकार से अभी जो डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही थी उसको देखते हुए अभी भोपाल में भी काफी सारे डॉक्टर जो हमें गया है, तो भोपाल का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है और आजू बाजू के कई क्षेत्रों को ही कवर करता है, उस पर डॉक्टरों की हड़ताल जो चलती रही उसके बाद डॉक्टरों का आश्वासन के बाद अभी डॉक्टरों ने अभी हड़ताल को खत्म कर दी है। लेकिन डॉक्टरों का साफ कहना है कि अगर सही डिसीजन और सही समय पर नहीं लिया गया तो ये वापसी फिर से वापस एक बार सड़कों पर उतरेंगे और डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को जो लेकर लड़ाई चल रही है उसको पूरा करके ही मानेंगे। लेकिन अभी कहीं ना कहीं डॉक्टर्स ने आश्वासन के बाद अभी डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल वापस ली है और डॉक्टर्स अपने अपने काम पे वापस लौटे हैं। बिल्कुल संजय, हेमंत हमारे साथ रायपुर से लगातार बने हुए हैं। हेमंत, रायपुर में भी आग सुलग रही है, मरीजों को भी खासा परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है, क्या कुछ परेशानी आ रही है मरीजों को? देखिए, नॉर्मली तौर पर अभी गर्मी का सीजन चल रहा है और डिहाइड्रेशन का शिकार खासतौर पर लोग होते हैं। इसके अलावा गर्मी में बहुत सारी बीमारियां होती हैं और प्रदेश का एकमात्र बड़ा सरकारी अस्पताल है, तो ऐसे में वहां पर मरीज बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। इसके अलावा डिलीवरी, जो महिलाओं की डिलीवरी होती है उसके लिए वहां पर पहुंच रहे हैं, तो सभी चीजों के को लेकर मरीजों को परेशानी हो रही है। वो अपने परिजन के साथ इलाज कराने जरूर आए हैं लेकिन वो अस्पताल के आसपास इधर उधर भटकने को मजबूर है क्योंकि सुबह 8 बजे से ओपीडी बंद है। हालांकि 1 घंटे बाद वो ओपीडी खुल जाएगा लेकिन इन 5 से 6 घंटों में जो परेशानी हुई है वो कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल भी खड़े करती है। अगर मेडिकल जो मेडिकल प्रशासन है अगर उनको पता था ये हड़ताल होनी है तो उनको एक वैकल्पिक व्यवस्था करनी थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया, तो एक तरह से उन पर भी सवाल उठता है। और ऐसे हालात हरदम बनते हैं, अगर कोई हड़ताल होता है तो सीधे तौर पर जो मरीज है वो प्रभावित होते हैं, तो एक कोशिश करनी चाहिए मेडिकल प्रशासन और सरकार को कि ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था की जाए कि हड़ताल भी हो
और दूसरी तरफ जो मरीजों का इलाज है वो सुचारू रूप से चल सके। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ से डॉक्टर्स की ये भी बात भी आई है कि इमरजेंसी सेवा में इलाज की बात डॉक्टर्स कह रहे हैं। हालांकि संजय के पास आऊंगा, संजय ऐसा पहली बार नहीं है, जुड़ा डॉक्टर्स की हड़ताल इससे पहले भी हुई है, लगातार अपनी सुरक्षा को लेकर सरकार से मांग डॉक्टर्स करते रहे हैं, ऐसी क्या मांग है उनकी जो सरकार अभी तक पूरा नहीं कर पा रही? कि पेशेंट यहाँ आते हैं और डॉक्टरों के साथ मारपीट करते हैं और डॉक्टर अपना काम करते रहे तब भी कई पेशेंटों को ऑब्जेक्शन देता है, और अगर जरा सी भी कोई बात होती है तो यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं, पेशेंट के परिजन यहाँ पे डॉक्टरों के साथ मारपीट करते हैं, जिससे यहाँ पे डॉक्टर असुरक्षित महसूस करते हैं। अगर पश्चिम बंगाल की बात चली जाए तो पश्चिम बंगाल में भी इसी चीज को लेकर कई डॉक्टरों की पूरी तरीके से पिटाई हुई। इससे पहले भी अगर हम मीडिया की बात चली जाए तो हम मीडिया हमेशा विवादों में रहा है, विवादों में भी इसलिए क्योंकि यहाँ पे डॉक्टरों के साथ और यहाँ के आए हुए पेशेंटों के साथ हमेशा मारपीट का एक सिलसिला जारी रहा है, और इसी को लेकर डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं, जिससे डॉक्टर के खिलाफ अगर कोई डॉक्टर से कोई बदतमीजी या कोई मारपीट करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाया जाए, उसको लेकर भी यहाँ पे चर्चा चल रही थी। लेकिन अभी डॉक्टरों की बात मान लिया तो डॉक्टरों का ये कहना है कि जब तक पुलिस डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होता तब तक ये लड़ाई चाली रहेगी और जब तक ये मांगे पूरी नहीं होने तक जारी रहेगी। लेकिन अभी कहीं ना कहीं डॉक्टरों ने अपनी कुछ समय तक का अल्टीमेटम दे दिया, अभी डॉक्टर अपने अपने काम पे लौटे हैं, लेकिन अगर 4 बजे तक का समय दिया है, 4 बजे तक इस चीज पे चर्चा नहीं होती है तो फिर डॉक्टर सड़कों पर उतरेगी। बिल्कुल संजय, आप इस खबर पर काफी वक्त से नजर बनाए हुए हैं, मध्य प्रदेश के ऐसे कौन कौन से शहर हैं और मध्य प्रदेश के और साथ ही भोपाल के ऐसे कौन कौन से बड़े अस्पताल हैं जहां पर इस हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है, मौजूदा दौर में क्या हालात हैं, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है प्रदेश में? बिल्कुल शुभम, जिस प्रकार से अगर हम प्रदेश की बात कर ली जाए और राजधानी की बात कर ली जाए, राजधानी में भोपाल को भोपाल का जो हमीदिया अस्पताल है वो यहाँ से कई डिस्ट्रिक्टों को जोड़ता है, कहीं चाहे रायसेन की बात कर ली जाए, बैरसिया की बात कर ली जाए या मंडीदीप की बात कर ली जाए, ऐसे भोपाल के आजू बाजू के सीहोर की बात कर ली जाए, दूर दूर के पेशेंट यहाँ आते हैं, लेकिन डॉक्टरों की हड़ताल के बाद आज पेशेंटों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन जो जूनियर कई डॉक्टर थे जिन्हें इमरजेंसी में देखना चालू रखा, लेकिन जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था उन डॉक्टरों तक, उन पेशेंटों तक ये ट्रीटमेंट नहीं पहुंच पाया, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। शुभम, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय और हेमंत, आप दोनों का इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा।